मुझे लगता है तीन लोगों को फिनाले में होना चाहिए, प्रियंका, शिव और शालीन। अर्चना भी है। मुझे लगता है एमसी स्टैंड का तो मालूम नहीं, मुझे लगता है एमसी स्टैंड को 40 लाख का बैग लेके भाग जाना चाहिए। और ये तीन लोगों को, ये तीनों ही विनर है मेरे लिए। आप होते तो क्या करते? अरे मैं तो कभी नहीं जीतती हूँ बिग बॉस। मेरे लिए बिग बॉस सिर्फ पेटी रेडी करते हैं। पता नहीं, मुझे बुलाया तो नहीं है, शायद मेरे ऐसे हालात है तो नहीं। आपको ब्रिटिश के बिग बॉस में जाना चाहिए, यूके में तो सिल्वर सिटी जीत के आया था ना वहाँ। मेरे तो रियल जिंदगी का बिग बॉस चल रहा है। ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ना मेरी कोई कहानी, घर घर की कहानी। बिग बॉस में जाना चाहिए, बिग ब्रदर जो है ना वहाँ पर शो चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना चाहिए। हिंदी हो गया, मराठी हो गया, सब हो गया। काम तो चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन जो मेरे दिल पे जख्म है, जो निशान है मेरे हस्बैंड के, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी बेइंतहा। बहुत आसान होता है, ब्रेकअप हो जाता है बुलाना। मेरे लिए मेरा ब्रेकअप हो गया है, शायद वो जेल से आने के बाद हम एक दूसरे को डाइवोर्स भी दे दे, बट मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। मैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा करवाना चाहती हूँ कि तुमने जो मेरे साथ किया, इन फ्यूचर तुम किसी और लड़की के साथ शादी करो तो उसके साथ ना करो, क्योंकि आदिल एक साइको केस है। वो अपने आप को मारता है गाड़ी में बैठ के, अगर उसकी कोई नहीं सुनता, सर पे मारता है, खुद को चोट पहुँचाता है, खुद का हाथ तोड़ता है और वीडियो बनाता है कि मुझे मेरी बीवी ने या मेरी गर्लफ्रेंड ने मारा। ये गलत है आदिल, सुधर जाओ। चलिए, थैंक यू।